जब हम लोग आपकी उम्र के थे तभी यहां पर चुनाव लड़ने आए थे, और वो चुनाव लड़ने का भी किस्सा न जाने कैसा है। एक पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी शादी होते ही किस्मत खुल जाएगी। मेरी 24 नवंबर को शादी हुई और कन्नौज की जनता ने 18 फरवरी को मुझे लोकसभा में भेज दिया। मनोज दीक्षित जी जानते होंगे, यही कोल्ड स्टोर जो आपने ले लिया है अब होटल बना दिया है। यही भारत होटल था, इसी के एक कमरे में रह करके पहला चुनाव लड़े थे, और जब से वो चुनाव लड़े हैं कन्नौज की जनता से रिश्ता बन गया है। चाहे कुछ बदल जाए, इधर से उधर चीजें हो जाएं, लेकिन कन्नौज से रिश्ता समाजवादी पार्टी का और हमारा नहीं टूट सकता। यही भरोसा है हमारा आपका। हम लोग तो यहां राजनीति सीखे हैं और उस समय राजनीति में आए थे जब जनेश्वर मिश्र जी ने खड़ा कर दिया, जब दिनेश्वर मिश्र जी ने खड़ा कर दिया, अपने आजम खान साहब ने खड़ा कर दिया। मैं भाषण नहीं दे पाया था, केवल हमने वोट मांगा था, लेकिन वहीं यहीं के नौजवानों ने गली गली में नारे लगा करके मुझे जिताने का काम किया था। यहां के लोग हैं जो हमें अपने नाम से नहीं बुलाया कभी, जो बुजुर्ग रहे उन्होंने हमें अपने पुराने नाम से ही बुलाने का काम किया। ये कन्नौज से नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, और हमें मौका दिया है काम करने का, सेवा करने का, और अब डिंपल को मौका आपने दिया है, और वो भी इतिहास कन्नौज की जनता ने बनाया था कि कोई डिंपल के सामने नहीं लड़ा और निर्विरोध चुनाव जीत करके चले गए। ये भी इतिहास कन्नौज का है। ये कन्नौज का इतिहास बहुत पुराना है। अभी जब मैं प्रयाग में गया संगम, तो सबसे पहले मैं जाकर के सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा लगी, उस पर फूल चढ़ाने का काम किया, और इसलिए चढ़ाया कि जो आज कुंभ के बहाने जो अपना सीना छोड़ा कर रहे हैं, ये कुंभ उनकी देन नहीं है। हजारों साल से लोग कुंभ लगा रहे हैं, और सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वही प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन, जिसने कुंभ का आयोजन कराने का काम शुरू किया है। वो भी इसी धरती के हैं, देश के राजा थे, राजधानी थी देश की राजधानी रही है कन्नौज, और यहीं का पानी बहता बहता संगम पहुंच जाता है। लोग दावा करते थे कि गंगा साफ हो गई। जिन्होंने हमें सिखाया कुंभ में नहाना, कभी मुख्यमंत्री जी को देखा कैसे कुंभ में नहाए थे? ऐसा कुंभ में नहाए कि शायद वो कभी नहाते नहीं हैं।